जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। चूंग के इलाके में मौजूद है मासूम शाह का मोहल्ला है और यहां पर 17 साल के बच्चे को दोस्तों ने किसी बहाने से अपने घर बुलाया, यहां सर लेके गए और उसके बाद उसको शराब पिलाने के बाद ज्यादती भी की और फिर कत्ल भी कर दिया। इंतहाई सफाकियत का वाकया है। पहले मोहल्लेदारों से बात करेंगे और फिर फैमिली से जानेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद हैं। खुसूसन इस बच्चे को ले जाया गया, ले जाने के बाद सारी रात वहाँ पर ज्यादती का निशाना बनाया गया, शराब भी पिलाई गई और उसके बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई। अभी भी जो फैमिली जो है वो जाहिर कर्ब में मुब्तला है। इस किस्म के वाकयात जो हैं वो हमारे इलाकों में, लाहौर शहर के दिगर इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इस पर कोई काबू भी नहीं पाया जा रहा। आखिर वजह क्या है कि या तो बच्चों पर वो नज़र नहीं रखी जाती या फिर सफाक दरिंदे जो हैं वो जगह जगह दंदनाते फिर रहे हैं। मोहल्लेदारों से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम फैमिली की जानब बढ़ेंगे। आप यहीं पर रहते हैं? जी सर, मैं यहीं पर रहता हूँ। क्या वाकया था, क्या बच्चे के साथ क्या पेश आया? बच्चे के साथ क्या पेश आना है, जैसे कि आप ही लोगों को पता है कि दोस्त इकट्ठे जो है ना वो रहते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं है कि किसी को कत्ल ही कर दिया जाए। ठीक है, इस लिहाज से बच्चे को लेके गए हैं उधर हवेली के अंदर। ठीक है, उसको शराब वगैरह पिलाई की है। ठीक है, उसके साथ ज्यादती की गई है और फिर बाद में कत्ल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये इसके दोस्त ही थे? जी बिल्कुल, ये दोस्त थे इसके। कितने अरसे से दोस्त थे ये? तकरीबन काफ़ी अरसे दोस्त है ये, बचपन से? बचपन से हैं। बच्चे इसकी उम्र क्या थी? 17 साल होगी इसको। 17 साल? जी बिल्कुल। 4-5 साल से दोस्त? बिल्कुल, ऐसे ही यहीं पे रहते थे सारे? जी यहीं पे रहते थे। पहले कभी इस किस्म का कोई वाकया नहीं पेशा? कोई इस तरह की बात नहीं है पूरे चुंग के इलाके में, चुंग के गांव में। एक दो मरतबा ऐसे वाकये हुए भी हैं, वो इधर साइड पे पीछे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर इस ये नहीं पता कौन लबस है, लेकिन इसके अंदर ये पता चल रहा है कि ये आपस में जो दोस्त है ना, इन्होंने ये हरकत की है। क्या वाकया, मतलब ये आपने सुना है कि किस तरीके से दोस्तों ने जाके दोस्त के साथ ही ये कर दिया? बस जैसे इस भाई ने बताया वैसे ही बात है। क्या बात, आपके इल्म में क्या है? हमारे इल्म में तो जो हमने देखा है ना वही बात सामने नजर आती है। क्या देखा आप? जद्दस के निशान थे और अकेला पड़ा हुआ था, उनके पास कोई भी नहीं था। जब लाश उठाना देख कर गया था, उसकी हालत देखने के काबिल नहीं। हाँ, यही बात है। शराब वगैरह पीते हैं यहाँ पे? शराब इजी एक्सेस? ये हमारे मसाए हैं, इधर आए हैं, हम इधर रहते हैं। इन लोगों जो बच्चे हैं ना ऐसे है ही नहीं थे, घर से बाहर नहीं जाते आते थे। वो दोस्त ऐसे, वो दोस्त खराब थे? हाँ जी। कितने दोस्त थे? ये तो मैं पता नहीं कितने दोस्त थे। बाहर बच्चा चला जाता है, पता नहीं किस किस के साथ घूम के आता है। अपनी जगह पे लेके गए थे, हवेली पे? जी बिल्कुल, वहीं पे लेके गए थे। यहाँ से कितनी दूर लेके गए? तकरीबन काफी दूर है, तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। अच्छा, तो शराब वगैरह पीता था लड़का? नहीं, ऐसा वो नहीं पीता था। नहीं, लेकिन उसके दोस्त पीते थे? वो पीते थे। और इस बात का इल्म घर वालों को भी था? नहीं, पहले तो नहीं था, जब ऐसा काम हुआ है हरकत हुई तो तब पता चला है कि ये फकुआ बना है, ऐसे काम कर रहे थे। आप भी यहीं पर रहते हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन यहीं की पैदाइश हमारे। अच्छा, तो क्या ये लड़का और दोस्त, खुसूसन दोस्त तो दोस्त के काम आते हैं, ये क्या किया इन्होंने? बस पता नहीं क्या किया इन्होंने, बहुत बेइंसाफी की इनके साथ। दोस्त तो दोस्त होते हैं हमेशा, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। उनके दिगर भी दोस्त हैं? जी वो बिल्कुल नहीं, इलाके वाले उन्हें अच्छा समझते हैं? नहीं, वो अभी कौन उनको अच्छा समझेगा। इससे पहले कोई ऐसा उन्होंने नहीं काम किया? शायद किए हो, हमें तो नहीं पता। जो ये जो ज्यादती के वाकयात हैं या इस किस्म की जो गलाजत है, वो जब किसी शख्स में होती है पूरे मोहल्ले को तो पता चल जाता है ना? हाँ, पहले तो आदत ही उन्हें ऐसी, आदत तो शराब वगैरह पीते थे मोहल्ले में, कभी उसके साथ झगड़ा किया, कभी उसके साथ किया, ऐसे तो करते थे। तो ये वाकया पहली बार मरतबा उन्होंने किया। वो क्या लगता है कि मतलब कत्ल क्यों किया, कि वो बताए ना जाके या कि बदनामी के डर से? शायद बदनामी के डर से किया हो या बताए ना। आप भी यहीं पर? जी मैं ये भी रहता। क्या वाकया ये आपके इल्म में क्या है? बस पहले में यही है कि वो बच्चा घर से तकरीबन शाम 6 बजे आया है, 6 बजे के बाद वो दोस्तों को बुला कर उधर अपनी हवेली में ले गए और वो सारी रात को शराब पिलाते रहे। हम ढूंढते ढूंढते तकरीबन सुबह 3 बजे तक ढूंढते रहे उनको, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। आप भी साथ थे उस बच्चे को ढूंढने में? हाँ, हम भी साथ ही थे उनके से, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन सुबह 7 बजे उनके लहकीन हवेली के मालिक ने हमारे घर में इनके आकर बताया कि वो लड़का आपका उधर पड़ा है, वो ले। जब उधर हम वहाँ गए तो उसकी लाश थी। उसके
हवेली उन लड़कों की नहीं थी? हाँ, उनकी लड़की, उन लड़कों की हवेली थी। और उन लड़के के ही किसी फैमिली मेंबर ने आप लोगों को बताया? उनके, हाँ, वो हवेली के जो मालिक है बशीर अहमद, उन्होंने आके बताया है कि आपका लड़का उधर, वो उसकी डेथ होगी, उसे आप करना उठा रहे। लाश जब देखी तो क्या तशद्दुद के निशान थे क्या? हाँ, निशान भी थे उसके नाक पे और कमर के बैक साइड भी उनके निशान थे। वो उधर वो अपने 15 पे कॉल की, वो उधर अपने मुलाजिम वगैरह आए, उन्होंने सारी अपनी तहकीकात दी, उसके बाद उनकी तस्वीरें वगैरह भी उतार के वो अपने साथ ले गए थे। अभी फिर जी मेरा भाई है, छोटा नहीं। आपका छोटा भाई है? जी। उनके भाई तो ज़ाहिर है दोस्तों पर भी नज़र रखता है कि उनके दोस्त के किस किस्म के थे, तो ये काफ़ी अरसे से दोस्ती थी? जी, इनकी तकरीबन 2 साल से दोस्ती है। पहले भी उसे समझाते थे और वो चला जाता था, हमारी बात सुनता भी था। ये खुद घर से उसे बुलाने के लिए आ जाते थे। काफ़ी इन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। पहले ये हमारे पीछे की तरफ जंगल है, वहाँ से एक लाश बरामद हुई थी, वो भी इन्हीं की थी। इन्हीं के काम थे। इनका भाई जो वहाँ पे गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड है, वो जो जंगल है उसका, वह भी इनकी, इन्हीं के जुम्मे लगी थी। और इन्होंने पैसा वगैरह लगाकर उसे जो है वो कहा था कि रवा दवा कर दें, लेकिन अब वो भी केस सुना, अभी उनका रीओपन हो गया। इस वाक्य के तो लेके काम यही है, पूरा मोहल्ला उनकी देखा जमानत के, वो जो वो शुरू से शराबिये थे, अयाशखोर थे। हमारे भाई को हम सारी रात वहाँ पे हवेली के बाहर लगे फिरते रहे, मैं और मेरा भाई सारी रात। उन्होंने बाहर से ताले लगाए और अंदर जो है वो जो भी करते रहे, अंदर से लाइटें भी ऑफ थी। तो हम फिर किसी की दीवार कैसे बिलांगते भी, हमने तो सिर्फ यही बात कही, अभी हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्या ज्यादती भी की उन्होंने? जी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन हमारा दिन यही कहता है जी। उनके साथ जो लड़का था ना, 5 लड़के थे, एक लड़के ने ये बयान दिया है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। उनमें से उन्हीं लड़कों ने ये मुजरमों के नाम बताए हैं और उन्होंने ये बताया कि इसके साथ ज्यादती हुई है। इस सेंस में क्या होगा कि ये डेथ हो गई है, मार दिया, ये ज्यादती है या उन्होंने ज्यादती की है? नहीं, ज्यादती की है उन्होंने के साथ। और शराब पिलाया? शराब पिलाया। ये भी उसी का बयान? जी, भी उन्हीं मुजरमों का बयान, उनसे एक ने जो अपना बयान दिए है ना, उनमें से थे। एक लड़के जिसने बयान दिया ना, उसका नाम हदीक अहमद है, बादली प्रोफेसर साहब का वो बेटा है। उसने ये कहा कि इन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की है, मैंने अपना हाथ छुड़ाया और इन्होंने जो मेरा भाई यानी कि कत्ल हो गया उसको इन्होंने धक्का दिया और गाड़ी उनकी हवेली में खड़ी थी, गाड़ी के साथ उन्होंने मारा, मारने के बाद वो गिर पड़ा। कहता मैंने उसको कहा भी इसे छोड़ दें, ये ठीक नहीं, इसकी तबीयत ख़राब है। वो आगे से यही कहते रहे तुम भी इधर आओ, तुम भी इधर आओ, इसने शराब पिया, इसे कुछ नहीं हुआ, तुम इधर आओ। वो कहता मैं वहाँ से डर के भाग गया हूँ। वो छोटा बच्चा था, इसीलिए जो है उसने घर आकर किसी को नहीं बताया। जब सुबह ये वाकया दरपेश आए हैं तो फिर सर उन्होंने हमें सब कुछ बताया। उसका बाप जो हवेली का मालिक है बशीर अहमद, उसने खुद ही आकर हमें सब ये सब कुछ बताया। अच्छा, नहीं वो शराब वगैरह पीते थे, आपने रोका भी उन्हें कि आप ना आया करो यहाँ? हमारे भाई ने आज तक शराब नहीं पी थी। जो वो है ना, वो कॉल कर देते थे कि आज जो आ जाओ, ये है ये है। वो भाई उस हदीक अहमद ने यह भी बयान दिए हैं कि ये भाई शराब नहीं था पीता, नवीद अहमद जो है, इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि आप शराब पियो, हम नहीं तो हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने कहा, नवीद अहमद ने कहा भी मैं शराब नहीं पीता, मैं इस तरह का काम नहीं करता। सारे मोहल्ले को, सारी फैमिली को पता है कि वो लड़का इस तरह का नहीं था, ना उसने आज तक ये काम कोई किया था। तो आपका छोटा सा गाँव है, तो जब आप ढूंढने निकले तो उस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात हुई नहीं, वो उससे पहले ही अपना काम जो है डालकर वो अंदर यानी कि छुपे हुए थे, बाहर से उन्होंने ताले लगाए हुए थे हवेली को, तो हमें कुछ उन पर पता नहीं चला। सारी रात हम ढूंढते रहे हैं, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, लेकिन रहे उसी हवेली के पास है। सुबह उसी हवेली में से जब हमें उनकी उसी हवेली के मालिक ने आकर बताया कि आपका जो भाई छोटा है वो रात से वहाँ पे जो है। सुबह उसी मालिक ने सरहान कर हमें सब ये सब कुछ बताया कि आपका जो भाई वो रात से हमारी हवेली में जो इंतकाल कर गया, तो जबकि हम सारी रात उसी हवेली के बाहर उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उन्होंने बाहर से ताले लगाकर उसे दरिंदगी का निशान रखा। आपको नहीं मिल रहा था, कितने बजे लेके गए थे रात को? वो तकरीबन 10 बजे के करीब जो है ना हमें घर आया, घर से बात हुई है फ़ोन पर उसकी और मेरी। कहता था मैं दोस्तों के पास हूँ, वो मुलाजमत करता था यहाँ पर, काम सीख रहा था गाड़ियाँ ठीक करने का। कहता था वर्कशॉप से मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं उन्हें खाना खिलाकर आ जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। सारी रात नंबर भी उसका मोबाइल भी ऑन रखा है, हम काले करते रहे हैं। तो वो हदीक अहमद ने खुद बताया कि वो कहते थे आपने किसी की कॉल अटेंड नहीं करनी, महफिल छोड़ के नहीं जाना, ये है वो। उसी के मोबाइल की लाइट बाल के उसी को निशाना बनाया गया सर। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए।
جب آپ کو لاش ملی تو کیا تشدد کے نشان تھے کہاں کہاں؟ جی سب کچھ وہاں بھی تھا. جب لاش ملی تو مجھے آ کر انہوں نے بتایا, میں باکر جب گیا تو حویلی کا جو مالک تھا وہ بھی وہاں سے اسی ٹائم میں اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا, اور جو ہے اندر بھائی میرا اکیلا ہی لیٹا ہوا تھا, اس کا جو ہے دیکھنے کے لائق نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کر ڈالا تھا. کپڑے جو وہ بھی بازو سے پھٹے ہوئے تھے, جیسے کسی جسے جیسے کوئی اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بازو نہیں اوپر کرتا, اور جب جان ختم ہو جاتی ہے تو جسم وہیں پہ اکڑاؤ ہو جاتا ہے. سب باہیں بھی ایسی تھی بھی اکڑاؤ ہوا پڑا تھا باہوں میں اور ٹانگوں میں, اور نیچے گرا ہوا تھا جیسے کپڑے سب گندے تھے. صبح جب ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے اسے اٹھا کے چارپائی پہ لٹایا اور اوپر بستر وغیرہ دیا تھا, لیکن بازو تھے, ٹانگیں سب ویسے ہی تھی جیسے کہ کوئی اپنے آپ کسی کے ساتھ ظلم کیا اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا. اس کے بعد یہاں کے جو نمبردار لوگ ہوتے ہیں معزز لوگ, وہ کیا کہتے ہیں گاؤں کے آپ کے ساتھ؟ نہیں سر, بات یہ ہوتی ہے, بات جو ہوتی ہے وہ سب یہاں پہ آ جاتی ہے پیسے پہ. ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ناانصافی ہے وہ صرف پیسے پہ چلتا ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کا ہر کوئی ساتھ دے گا کہ اس کے پاس یار پیسہ ہے, یہ ہے وہ, اس کا ساتھ دو. وہ قاتل پیسے والے جی, ان کے پاس بینسیں وغیرہ ہیں جو کچھ بھی ہے. پولیس ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہے. ہمارے جو اپنے انویسٹیگیشن کے الفت صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری ہر بات سنی, ہماری ایف آئی آر درج کی, ہمیں خراب نہیں انہوں نے کی ہے. ساری پولیس ہمارے ساتھ ہے. آپ کو امید ہے کہ انصاف ملے؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے. ہم وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹس سے, ہم ثاقب صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. ابھی تک تو یہ الزام ہے کہ زیادتی کی ہے جی, یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے. جی یہ پتہ, کیونکہ ان میں سے جو لڑکا جو ایک مجرم تھا ثاقب نام کا, انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو انہوں نے پولیس میں جا کر تھانے میں جا کر اپنا بیان دیا. انتہائی زیادتی کی گئی خصوصاً, اور بچے کو پہلے تو لے جایا گیا اس کے دوستوں نے, اس کے ساتھ ہاتھ کیا, تین چار دوستوں نے مل کے اس کو بلایا, بلانے کے بعد اپنی حویلی میں, یہاں پہ قریبی حویلی ہے وہاں پر لے کے گئے, اس کو شراب پلایا ان کا کہنا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی بھی کی. اور جب وہ مردہ حالت میں ہو گیا, جب اس کا انتقال ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بعد اس کو چھوڑ کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا, اور یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے. بڑی صفقانہ جو ہے وہ واردات ہے خصوصاً, اور کس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. فیملی کیا کہتی ہے اس بارے میں مزید ان سے جانتے ہیں.